नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं आईकेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको मूत्र के बारे में बताएंगे कि कौन सा रंग आपकी सेहत के बारे में कहता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मूत्र का रंग एक जैसा नहीं होता है, यह हमेशा बदलता रहता है। लेकिन यह बदलता रंग आपको आपकी सेहत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता है। कई बार ये किसी बीमारी का संकेत होता है तो कभी अच्छी सेहत का। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मूत्र के रंग से सेहत का हाल पता करने की जानकारियां, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन नौ मूत्र के रंग से सेहत का हाल पता कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। नंबर एक, पिंक या रक्त वर्ण। दोस्तों अगर आपने हाल ही में चुकंदर या रेवा चीनी खाई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं खाई है तो यह मामला खतरनाक हो सकता है। यह रंग मूत्र में खून की मात्रा होने से हो सकता है। दोस्तों आपको किडनी, प्रोस्टेट या ट्यूमर की बीमारी हो सकती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर दो, बहुत हल्के पीले रंग। तो दोस्तों आप बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर तीन, पारदर्शी पीला, यहाँ पर भी आपकी सेहत सामान्य है। नंबर चार, गहरा पीला। दोस्तों सामान्य, लेकिन आपको तुरंत पानी पीना चाहिए, आपके शरीर में पानी की थोड़ी कमी हो सकती है। नंबर पाँच, हल्का लाल या शहद के रंग जैसा। दोस्तों आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, जल्द से जल्द पानी पीजिए। नंबर छह, सिरप या ब्राउन जैसा। दोस्तों आपको लीवर की समस्या हो सकती है, डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। नंबर सात, बेरंग या पारदर्शी। दोस्तों आप कुछ ज्यादा पानी पी रहे हैं, शरीर में जाने वाले पानी की मात्रा को थोड़ा कम करें। नंबर आठ, हरा रंग। दोस्तों यह बहुत ही दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन ये किसी दवा या खाने की चीज से भी हो सकता है। अगर ये कुछ दिनों तक रहता है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नंबर नौ, ज्यादा मात्रा में सफेद झाग। दोस्तों थोड़े झाग जरूरी भी होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो इसका कारण आपके खाने में ज्यादा प्रोटीन हो सकता है। दोस्तों अभी हम देखेंगे पेशाब से बदबू आने के कारण। दोस्तों अधिक मसालेदार खाना हो या फिर खाने में प्याज, लहसुन आदि का सेवन करने से भी पेशाब बदबूदार हो जाता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसकी दुर्गंध आपके पेशाब से आएगी। दोस्तों शरीर में पानी की कमी से, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर में हर हिस्से को पानी चाहिए होता है, चाहे वह हड्डी क्यों ना हो। दोस्तों हमें नियमित रूप से 10 से 12 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन जरूरत के अनुसार यह मात्रा कम या अधिक हो सकती है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आप अपने पेशाब के रंग से कर सकते हैं। अगर पेशाब का रंग सामान्य है तो आप पानी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन अगर पेशाब का रंग पीला है और इससे बदबू भी आ रही है तो समझिए कि आपके अंदर पानी की कमी है। दोस्तों डायबिटीज के कारण ऐसा किडनी से अधिक मात्रा में शुगर के स्त्राव होने से भी होता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो जीवन भर आपका साथ निभाती है। मधुमेह ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होने से होती है। मधुमेह का संकेत देने वाले लक्षणों में से यह भी एक लक्षण है। किडनी से जब अधिक मात्रा में शुगर का स्त्राव होता है तब अजीब सी बदबू आने लगती है, यह मधुमेह का इशारा है। इसे समझे और तुरंत इसका उपचार कराए। दोस्तों तब भी अपने पेशाब से बदबू आती है जब महिलाओं के गर्भवती होने के कारण, जिसके बारे में महिलाओं को शुरू में पता नहीं लगता, इसलिए प्रेगनेंसी की जांच अवश्य करानी चाहिए। दोस्तों महिलाओं के द्वारा गुप्तांगों की ठीक प्रकार से साफ सफाई न करने से ऐसे में गुप्तांगों में इन्फेक्शन हो सकता है, जो धीरे धीरे बढ़कर ओवेरियन कैंसर का रूप ले सकता है। दोस्तों महिलाओं के ब्लेंडर में इन्फेक्शन से, जिससे पेशाब करने पर दुर्गंध के साथ जलन भी होती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि पेशाब के रंग से सेहत का हाल किस तरह पता कर सकते हैं, और पेशाब से बदबू आने के कारण भी हमने जान लिए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ में डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में। भगवान करे आपका आज का दिन शुभ रहे।